और दूसरी तरफ टीम 35 पॉइंट पे यूपी 17 पॉइंट कारवां आगे बढ़ रहा है खेल का रेड की कमान यूपी के लिए यूपी की रेड है यूपी डिफेंस कर रही है साथ का डिफेंस है लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर कवर भी चेन में सामने से ब्लॉक एंकल पे भी गए क्या वासियों का अभिवादन करते हैं गुंडेगांव नगर के हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं इमाम साहब लाहौर फाइल का यूपी योगा मेरे वर्सेस यादव एकेडमी बहुत कैप्टन की सेंडर टीम इंडिया डियन कोड नंबर 2 यूपी योदा वर्सेस यादव एकेडमी हम कप्तान अपनी टीम को लेकर शीघ्र मैदान नंबर 2 पर रिपोर्ट करें हेलो सभी टीमों से आग्रह है कि अपना प्रॉपर प्लेइंग के साथ एक लिस्ट में आप हमारे ऑफिसर से बस तक पहुंचाएंगे ताकि आपके नाम को हम सही तरीके से यहाँ पे इंगित कर सके हमारे ऑफिशियल्स ड्रोन कैमरा अत्याधुनिक तकनीक का भी एक खूबसूरत उदाहरण इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये टूर्नामेंट इस समय साई गांधी नगर दाहिनी तरफ है जो खेलो इंडिया के परिधान में साई गांधी नगर है और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ ऑरेंज फैक्ट्री वड़गांव की टीम है ऑरेंज फैक्ट्री वड़गांव इस समय जो कि देखिए आप स्काई ब्लू कलर की जर्सी में है बहुत ही शानदार मुकाबला और अब गांधी नगर की ये साई गांधी नगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम है जहां खिलाड़ी प्रशिक्षण लेते हैं साई एक आप जानते हैं भारत सरकार द्वारा संचालित साई गांधी नगर से नितिन तोमर जैसे खिलाड़ी प्रशिक्षण कर चुके हैं और कई ऐसे स्टार्स वहां की युवा टीम इस समय प्रदर्शन दिखाती हुई कल भी बहुत अच्छा खेला था इन्होंने नील गुलिया अकेडमी के खिलाफ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन लेके खेला था तो देखिए अब कोर्ट नंबर 2 भी अब सुसज्जित होगा इन प्लेयरों के साथ लगातार हमारे बीच माननीय दानव सिंह पटेल साहब पूर्व राज्य मंत्री साथ में आ रहे राम प्रसाद गुप्ता सर आदरणीय मंत्री भाई चौकसे जी आदरणीय हमारे जीतू ठाकुर जी उनके चौकसे जी और इसी बीच बहुत अच्छा रीच का इस्तेमाल किया खूबसूरती से और क्या शानदार सुपर रेट किया है बोनस प्लस 3 पॉइंट क्या खूबसूरत टैकल इस समय देखिए बेहतरीन टैकल लगातार लवप्रीत को टारगेट पर रखा है आज इस मुकाबले में विकास जी जी हाँ आज लवप्रीत अपना नाम को चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं लवप्रीत आज लग रहा है कि उस रंगत में नहीं है वो आज सुपर टैकल ऑन है उनके वरंगाव 9 पॉइंट पे है इस समय 6 पॉइंट पे साई गांधी नगर इस बार रेड वरंगाव की है क्या बिजली की गति रीच का इस्तेमाल छक्कनी की तरह पूरी तरीके से रनिंग एंड टच के प्रयत्न में लेकिन बात करें एम्प्टी रेड करके वापस गए बहुत अच्छा मुकाबला पूरा गोटे गांव इस त्योहार की तरह मनाता है बड़ी श्रद्धा में हमारे नगरवासी बड़े नागेंद्र सिंह फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिवादन देखना होगा इस समय 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी रेड पे है युवा खिलाड़ी टच पॉइंट लाना होगा
लेकिन धीरे धीरे टू टच का प्रयास राइट कॉर्नर राइट के बीच क्या गजब की प्रस्यूट करने का कोशिश कबड्डी में सब रिसीव कहते हैं लेकिन पॉइंट नहीं मिलेगा डिफेंस बहुत सही है एक आवेश निर्णायक लंबों पे आक्रमण करते हैं क्लाउड सुपर टैकर और है निगाह रखिए रेड है क्लाउड वरंगाम की डिफेंस साई गांधीनगर तीन खिलाड़ी साई के कोर्ट पे हैं गांधीनगर की अब रेड पॉइंट लगा अनिवार्य रहेगा मणिनागन सिंह फाउंडेशन सहयोग क्रीड़ा मंडल के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्रो कबड्डी का आज ये दूसरा दिन बहुत ही खूबसूरत आयोजन आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे युवा खिलाड़ी गेट पे हैं सारी गांधीनगर के लिए गलती हुई राइट कॉर्नर से सिंगल होल्ड का प्रयास करना चाहते थे आसानी से पॉइंट करेगा इस वक्त सोलाइए देखें ये मुकाबला का सीधा प्रसारण कबड्डी हरियाणा मोलोभिया के मणियाले सिंह फाउंडेशन की वेबसाइट और आदरणीय संबंधित अलक्षण बड़े साहब के फेसबुक पेज पे लाइव एक्शन आप देख सकते हैं देखा होगा आज लवप्रीत थोड़े फीके नजर आए हैं आपसे एक बार कई बड़े स्टार साल हैं खेल में चाहे सुरेंद्र नारा होकर हमने देखा था संदीप कटोरा आए हैं खेल में अमरजीत सिंह प्रो कबड्डी के भी कई बड़े स्टार को हम देखेंगे आने वाले मैचों में और आपने बॉबी का वो तेवर भी देखा था क्या बाहुबली की तरह खेलते नजर आए आपका अपना आयोजन है नगर का गौरव बढ़ता है जाली को ज्यादा वजन न दे क्योंकि आप ऑलरेडी वजनदार लोग हैं जालियों पे वजन न दे और बहुत अच्छा आयोजन और हमारे पंकज भैया कहते हैं जालियों को लूमो मत तो थोड़ा सा वजन न दे और अच्छा आयोजन जो इतना बढ़िया बड़े स्टार सारे के खेल में उनको देंगे शानदार पूरी टीम ऑफिशियल्स पैनल की राम जीवन जी गुदारा मंगल सिंह यादव अरुण वर्मा जी आदरणीय हमारे सभी ऑफिशियल्स दर्शना मैम एक एक नाम जो सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं इस आयोजन को सफल बनाने में महेंद्र नागेश जी हमारे इससे गोटेगांव क्षेत्र के युवा विधायक कार्य महेंद्र नागेश जी भी मंच पर नजर आते हुए उनका भी हार्दिक अभिवादन आदरणीय भाई साहब के साथ इस समय अच्छा इस समय खूबसूरत इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं मंच पर बड़े साहब स्वयं कबड्डी के खिलाड़ी हैं और खेल के प्रति उनका लगाव देखने को मिलता है महेंद्र साहब का पूरे टाइम मौजूद होकर हम सबका हौसला बढ़ाते हैं और प्रभाव नजर आए 10 पॉइंट पे हैं साई गांधीनगर और 11 पॉइंट पे वारंगाम कांटे की टक्कर जी हाँ बिल्कुल विकास जी और यहाँ पर देखने लायक ये भी है कि हर साल कुछ ना कुछ हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के लिए अपडेट होता देखते हैं देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए इस स्टेडियम का नजारा देखा जाए ऊपर आप देख सकते हैं हमारा ये वीआईपी जो बॉक्स बना हुआ है ऊपर नीचे देखिए हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथियों के लिए मंच बड़ा ही खूबसूरत नजारा है देखें दर्शकों के लिए बैठने के इंतजाम पूरे एक बहुत टेक्निकल तरीके से तैयार किया गया है खूबसूरत देखा जी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम और यहाँ पर उससे ज्यादा खूबसूरत थी ये रेड देखिए क्या कमाल की रेड थी वारंगाम के द्वारा लाल किसी ने सच कहा है कि पन और लीजिए यहां से दो डायरेक्ट नंबर 4 के लिए
इस समय थर्ड रेट पर है, देखना है बोनस ऑन है, क्या प्रक्रिया होगी इस रेडर के द्वारा, क्या इनके दिलो दिमाग पर चल रहा है, क्योंकि अब निश्चित ही अंगारों पर चलना है। और ये एडवांस टैकल, यहाँ अपना संयम खोया है डिफेंस ने, अपना आपा खोया है। जोशी में 13 पॉइंट पे है और सन गांधी नगर 12 पे, और शानदार आवेदन सर, एक एक पॉइंट की जद्दोजहद दिए, रोमांच देखिए, बहुत ऐतिहासिक ये आयोजन। बड़ी नागेंद्र सिंह फाउंडेशन आगने चालम सिंह पटेल साहब लगातार पूर्व राज्य मंत्री और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, पूरी टीम इस समय गौरव बढ़ रहा है, इस क्षेत्र का गौरव बढ़ रहा है, गोटे गांव का, खेल के मानचित्र पे इतना बड़ा आयोजन, जहां हम देश के हर गांव की टीवी पे जिन्हें प्लेयर को हम देखते हैं, सपना मानो साकार होता है। हमने हाल ही में अर्जुन अवार्ड जो मिला पवन सिंह रावत को यहाँ खेलते देख चुके हैं। लवप्रीत कोर्ट नंबर एक पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे, जबरदस्त समागम है, गोटे गांव श्रीधाम नगरी कबड्डी की मानो भाषा बोल रही हो, आए हैं लवप्रीत रेड लेकर के, बहुत शानदार रेड है, 5 के डिफेंस में एकल होल्ड का प्रयास, शानदार टैकल लवप्रीत से, आज मानो बिल्कुल चलने नहीं दिया, रिदम में नजर नहीं आ रहे, अपने रंगत में, अपने उस लय के लिए जो जाने जाते हैं लवप्रीत, डिफेंस की तारीफ करनी होगी। वो नहारा की जा रही है, कल बॉडी में जो करंट देखा जा रहा था लवप्रीत के, आज वो बॉडी लैंग्वेज पर करंट नहीं देखा जा रहा है। फिलहाल चलिए, वक्त परिवर्तन करता है, वक्त चलता रहता है, वक्त रुकता नहीं, और टूट जाता है वो जो के झुकता नहीं, लेकिन चलेंगे इस मुकाबले में, काफी उतार चढ़ाव आने बाकी रहेंगे, जाने बाकी रहेंगे, दिलचस्प मुकाबला होगा। देखिए समय नंबर 4 की रेड वरण गांव के लिए, कोर्ट बदला है, क्या रणनीतियां बदली हैं, क्या गांव के बदले हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। गांव देखिए समय जर्सी नंबर 4 इरादे को मजबूत कर रहे हैं, और देखिए इस समय दिमाग लगाएगा आज आखिरकार कहां से अपने शिकार पर प्रहार किया जाए। देखिए गलत की रणनीति, लेकिन डिफेंस कोई मौका नहीं देना चाहता है, वन गांव का एक अच्छी रणनीति डिफेंस के द्वारा, बॉक लाइन के ऊपर ही बिल्कुल रेडर को एकदम खेलने दिया, और उसका कोई चांस नहीं यहां से, लेकिन सुपर टैकल ऑन है नंबर 1 के लिए, सुपर टैकल में देखना होगा। 3 के डिफेंस में रनिंग हेड टच का प्रयास, क्या गति है, लेफ्ट रेडर है, 3 का बटन से सुपर टैकल ऑन है, राइट कॉर्नर रेड लाइन तक ले गए, लेफ्ट कॉर्नर चेन में अपर बॉडी के इस्तेमाल करना चाहते थे, बहुत बढ़िया ग्रिप, थाई होल्ड किया, शानदार थाई होल्ड, प्रशांत है सर करके बड़ा वहां पे, या आपका नहीं, यार नहीं नहीं उतार जाइए वहां से, देखिए इस समय टैकल क्या है, खूबसूरती से स्ट्रगल अभी जारी है, स्ट्रगल क्या कह रहे हैं, रियल निकल पाएंगे, रीच पे दिए क्रिप्टिक राउंड देखिए, मुकाबले में वापसी कर चुकी है आपकी साइन गांधी नगर, वापस असल में कोर्ट टेस्ट करने का प्रयास, और इसके बाद गांव में बड़ी टीम है, देखिए कोर्ट पे शील का डिफेंस, कौन सा बहुत ऐतिहासिक आयोजन, इस समय ऑल इंडिया प्रो कबड्डी गोटे गांव लाइव एक्शन, माननीय धर्म सिंह पटेल साहब के फेसबुक पेज पे, बड़ी नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के वेबसाइट पे, और कबड्डी हरियाणा के यूट्यूब चैनल पे बड़ा देखना हुआ, रेड लेकर आ रहे हैं सब गोटे गांव की पावन पूरी धरती और ब्रह्मांस के आगोश में है, डिफेंस फिलहाल शेजा भरोसा देखना दिलचस्प रहेगा सर, वहां यादव विकेट भी 9 पॉइंट पे हैं कोर्ट नंबर 2 के, और 13 पॉइंट पे लिखी हो था दो अढ़ाई का मतलब दो रेट खाली हो जाए तीसरी रेट अनिवार्य हो जाती है, रनिंग हैंड टच का प्रयास किया स्पिश करके गए, शानदार रनिंग हैंड टच,
दोनों टीमें डू और डाई रेट पे खेल रही है, ये रणनीति का हिस्सा होता है कबड्डी में डू और डाई रेट पे खेलना, दोनों का चेंज उस समय लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेंज में उस समय दावा कर रहे हैं दोनों टीमें। कबड्डी की बहुत की कस्में दिखाई जाती है, रस्मों और कस्मों का दौर भी नहीं है यहाँ पे। जबरदस्त मुकाबला अंकित भैया एक बार स्कोर बता दें। अंकित भैया 16-16 बराबरी के स्कोर इस समय कोर्ट नंबर एक पे। ऐसा डिफेंस करते गए मानो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो और आसानी से रेडर पॉइंट लेते गए। लवप्रीत काफी देर से आउट ऑफ द कोर्ट है, अभी तक उन्हें अंदर नहीं लाया गया है। राव देखता है यहाँ पर बढ़िया इस समय हलचल मचा दी है, बढ़िया फुट पर लगातार राइट कॉर्नर में खलबली मचाते हुए नंबर 8 के खिलाड़ी इस समय देखिए क्या बेहतरीन फुट पर का इस्तेमाल करते हुए अब वापस जा रहे हैं, लेकिन डिफेंस भी कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल कर ऊपर नजर आया। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस समय निर्णय ने जर्सी पर देखना है, निर्णय गए और वापस आए फिलहाल देखता होगा इस समय इस मैच में लगातार जैसा कि विकास जी आप सही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रणनीतियां बन रही हैं इस मुकाबले के लिए। दो दो की चेन इस समय राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर इस समय चेन में मुश्किल जरूर है, आखिरकार इस मुकाबले का अंत क्या होगा। साई गांधी का इस समय देखा जाए तो 17 और वर्ण 16-17 पर चल रहा है ये मुकाबला। सामूहिकता समन्वय तालमेल टैकल और विकास जी वाकई देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है वो बॉक्स लाइन के बिल्कुल ऊपर अगर डिफेंस देखा जाए वरनगांव का जिस तरीके अंदर आने का कोई अवसर नहीं है रेडर के लिए शानदार देखिए समय टैकल और एक अच्छी खासी भी 17 का स्कोर इस समय बहुत ही बड़ा आयोजन बड़े नागेंद्र सिंह फाउंडेशन सहयोग क्रिया मंडल का 40वां सोपान साई गांधी नगर 19 मुकाबला देखना है 5 मिनट पर जा चुका है
अब इन 5 मिनट में साईं गांधी नगर के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, अपनी गाड़ी का गेयर चेंज करना होगा प्रभु, नहीं तो ये मुकाबला हाथ से निकल भी सकता है। फिलहाल देखिए समय क्या वर्दी की होगी, अब एक अच्छी रेट पर ही आपको करना होगा, क्योंकि आज लवप्रीत विकास भाई साथ नहीं दे रहे हैं अपनी टीम का। आज थोड़े से खामोश, देखिए काफी देर तक लवप्रीत आउट ऑफ द कोर्ट थे, लेकिन उसके बाद फिर अंदर आए, लेकिन उन्हें फिर शिकार किया गया। अब उनके जो साथी है उन्हें ही रेड पर या डिफेंस पर अपने घर बुलाकर आक्रमण करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, तृतीय मुकाबले में ज्यादा वक्त समय शेष नहीं है। 24-19 का स्कोर प्रहलाद सिंह पटेल साहब, कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, उनका आगमन था, उनका सान्निध्य था। और आज आदरणीय मनोज सिंह पटेल साहब लगातार मुख्यमंत्री पे मंचस्थ थे, साथ में महेंद्र सिंह नागेश गुटेगांव के वर्तमान विधायक इस समय, और कई जाने वाली हस्तियां। फिलहाल कोर्ट नंबर 2 देखे, वहां यादव एकेडमी 10 पॉइंट पे, यूपी योद्धा 14 पे। शुरू में यादव एकेडमी लीड में थी, लेकिन अब यादव एकेडमी थोड़े पीछे चल रही है, देखना होगा वहां 11-24 से। और जहां पे हम बैठे हैं कोर्ट नंबर 1 पे 24 पॉइंट पे वाला गांव, और याद के हैं हाथ को रोक लिए लेकिन पैरों को नहीं रोक पाएंगे। साईं गांधी नगर, साईं की एक बेहतरीन कौशल इस खिलाड़ी की, 2 पॉइंट फॉर्म करेंगे बेहतरीन इस समय। अब मुकाबला लगभग चुनौतीपूर्ण है, 21-24, 3 पॉइंट की लीड, आखिरी 3 मिनट। पुष्पेंद्र पांडे जी की बात करें, पुष्पेंद्र पांडे जी की उंगलियां बताती हुई 3 मिनट से कम था खेल से, इसलिए सामने से बात करना चाहा। दो खिलाड़ी को बाहर जाना होगा, और ये देखना है समय साईं गांधी नगर के लिए सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि 3 मिनट से कम समय अब चलता हुआ यहाँ पर, वरना मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कबड्डी का खेल सिर्फ आपको वक्त देता है। और ये देखिए कोई नहीं है, यह बेस्ट किया है अंपायर इसमें या कोई है, और निर्णय आया डिफेंस के पक्ष में, डैश कर दिया, रेडर आउट ऑफ कोर्ट हुए। जबरदस्त ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहे, इस समय 21 पॉइंट के आखिरी 2 मिनट का खेल से देख सकते हैं। व्यवस्था को समृद्ध बनाने वाले व्यक्तित्व आ गए हैं, राजेंद्र राय जी, मिठल लिया आगे, जितेंद्र ठाकुर जी, आदरणीय पंकज चौक से जी, शक्ति राजपूत जी, और पूरी टीम इस समय माननीय लालन सिंह बरेल साहब के मार्गदर्शन में, और दीपक सोनी जी, दोनों भैया मित्र मंडली के बहुत सक्रिय युवा, दीपक सोनी जी आसानी से 2 पॉइंट मिलेगा, 2 और जबरदस्त 2 पॉइंट और मिले हैं। विकास भाई यहाँ क्षमता बिल्कुल जाहिर है, लेकिन बिल्कुल कहा जाए कि जो फाइट है आखिरी रेट तक यहाँ पर साईं गांधी नगर इस फाइट को करना चाहेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक अच्छी रेड हुई तो ये मुकाबला और कुछ हो सकता है, स्कोर बोर्ड पर चेंजिंग हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ से इस मुकाबले को पूरी तरीके से ठंडा करना चाहते हैं ये रेडर, अंतिम 1 मिनट का खेल है सब यहाँ से बाकी। बिल्कुल देखिए वरुण गांव लीड में है, इसलिए गेम की गति को स्लो किया, लंबी रेड की ये रणनीति का हिस्सा रहा करता है कबड्डी में, सामने से आकर नॉक करने का प्रयास। ये अच्छी टीम की एक ही खिलाड़ी है, ज्यादा पॉइंट लूज नहीं कर रही है इस समय थर्ड ग्रेड लेकर के, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला थर्ड ग्रेड है, क्या ये इस मुकाबले का भी आखिरी रेट वज्र रेट हो सकती है। हालांकि हमारे निर्णायक पूरी बहुत ही मुस्तैद दर्शना वाकई में वरुण राजपूत जी, साथ में उनके जोशी जी, अरविंद शर्मा जी, स्वदीप सिंह जी, भागीरथ जी जलिया, पुष्कर जी पांडे, मुकेश जान जी, जेसी सर के मार्गदर्शन में, और ये निर्णायक मंडल बहुत अंदर चले गए, शानदार टैकल किया खूबसूरती से, और व्यवस्थाओं को एक सुव्यवस्थित स्वरूप देते हैं आदरणीय नारायण प्रसाद गुप्ता सर, बहुत ही सक्रिय व्यक्तित्व इस आयोजन में, और मुकाबला जीत लिया है कोर्ट नंबर 1 पे। जी हाँ, जीत दर्जे की है।